जो 10 लाख आप किसी को नए एंटरप्रेन्योर के लिए दे रहे हैं, 5 लाख तो लौटाना नहीं है। अब 5 लाख इंस्टॉलमेंट में देना है, महिलाओं को 1% इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसे लोगों को डेवलप करने की आवश्यकता है। चूँकि फर्स्ट टाइम आप बैंक के पास जाएंगे तो हमें लगता है कि उनको विश्वास की कमी। इस बार हमने दिव्यांग को भी हक देने का प्रयास किया है कि उनका भी जो संविधान प्रदत्त है 4%, तो आप सोचिए कि पूरे बिहार में कितने दिव्यांग करें। निश्चित तौर पे जो आप कहते हैं फायदा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हमारा व्यापार का नियम है कि जब तक हर तरह से हम व्यापार में सफल नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूँ आपके साथ मानसी। बिहार के युवा उद्यमियों के द्वारा बिहार में उद्योग को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिसमें उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ भी शामिल हुए हैं, वहीं उन्होंने कई उद्यमियों को सम्मानित भी किया है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बिहार में जल्द ही उद्योग को लेकर बड़ा बदलाव देखने का वादा करते हुए कहा है कि बिहार में जो भी इन्वेस्टर मीट हुए थे उसका काफी फायदा हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगने जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि व्यापाड़ा की जमीन जिस पर किसी तरह के कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, वैसे लोगों को जमीन वापसी के लिए सरकार 6 महीने का और समय देगी और आने वाले समय में उनसे जमीन वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण देगी, साथ ही महिला पुरुष के साथ साथ दिव्यांगों को भी इसका फायदा सरकार देने का काम करेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं समीर कुमार महासेठ, आइए हम सुनते हैं। एक वातावरण खुद ही बन रहा है, आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल में जो विपत्ति हम लोगों ने झेला बिहार के लिए, उसके प्लानिंग के आधार पर जो बिहार सरकार ने किया, हर एक जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी है, तो इतना ज़्यादा लोग उत्साहित हैं। जो प्रथम बार हमारा मधुबनी सबसे कम लोग अप्लाई किए, अब सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करने के लिए लगे हुए हैं। पर्पस है कि जो 10 लाख हम किसी को नए एंटरप्रेन्योर के लिए दे रहे हैं, 5 लाख तो लौटाना नहीं है। अब 5 लाख इंस्टॉलमेंट में देना है, महिलाओं को 1% इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पुरुष को 1% लगेगा। तो आपके माध्यम से आपको भी हम कहना चाहते हैं कि हर एक लोग अपने सगे संबंधी परिवार मित्र वैसे लोगों को डेवलप करने की आवश्यकता है। चूँकि फर्स्ट टाइम आप बैंक के पास जाएंगे तो हमें लगता है कि उनको विश्वास की कमी है। इस तरह से क्या होगा, जब बैंक से ऑपरेट होने लगेगा तो अगला भी 10 लाख आप चलेगा, बैंक आपको खुद ही आपके घर तक कहेंगे कि हम देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा मानना है कि जब इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए तो ज़मीनी स्तर से ला के दिखाने की आवश्यकता है। और आपके माध्यम से हम इतना ही इच्छा रखते हैं कि सही प्रचार कर दीजिएगा। तो जो लोग हैं, महिलाएँ भी हैं, इस बार हमने दिव्यांग को भी हक देने का प्रयास किया कि उनका भी जो संविधान प्रदत्त है 4%, तो आप सोचिए कि पूरे बिहार में कितने दिव्यांग हैं। 50 लाख से ज़्यादा जब हमारा सरकारी है तो आप 5 से 6, कम से एक परिवार में 6 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ परिवार को ये फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ भी करें, निश्चित तौर पे जो आप कहते हैं फ़ायदा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हमारा व्यापार का नियम है कि जब तक हर तरह से हम व्यापार में सफल नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने भारत सरकार क्या चाहती है, टैक्स के माध्यम से मिले। बिहार क्या सरकार क्या चाहती है, टैक्स के माध्यम। तो हम लोग तो सब जगह सारे उद्यमी को यही ना कहना चाहते हैं कि बिहार का जो बाहर टैक्स जा रहा है वो हमारा उपभोक्ता जो हमारा बिहार है वो प्रोडक्शन वाला। यानी कह रहे हैं सर कि पूरी तरीके से आवश्यकता है आप लोग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से सही चीज जानकारी हो जाए ताकि वो लोग खुद ही दौड़े आपके कहने पर। और हो सकता है आप जिस जिले से आते हैं, जहाँ से आते हैं, भैया प्रणाम, आपने जो कहा था देखिए हम इतना बढ़िया आगे बढ़ गए, तो जिसमें एक कमी भी होगी वो इम्प्रूव करने का। ये इन्वेस्टर मीट हुआ था उसका कुछ फायदा हुआ सर? 100% फायदा हुआ, लगभग उसमें 80% लोगों को जमीन या जो चाहिए था हम लोगों ने दे दिया, वो लोग खोल रहे हैं। हाईकोर्ट का भी निर्देश आया कि जिन लोग को एक बार परमिशन दिया जाए 6 महीने में करें, फिर सबों के माध्यम से कहना चाहेंगे फिर हम 6 महीने टाइम देंगे, लेकिन कहना तो चाहिए और करेंगे तभी बिहार आगे।
तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।